हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे, ओके। एंड वो शेयर पिछले अगर बात करें 5 दिन की, तो कंटिन्यूसली भाग रहा है, कंटिन्यूसली कभी अपर सर्किट लगा रहा है। और बात करें, काफ़ी अच्छा शेयर मुझे प्रतीत हो रहा है, और क्यों हो रहा है, ओके। और हमें उसे बाई करना है, सेल करना है, उससे रिलेटेड भी हम बातें करेंगे। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के साथ जोड़िए, ताकि वो भी हमारी वीडियो को देख के शेयर बाज़ार से रिलेटेड नॉलेज ले सके, और इसे एक गैम्बलिंग ना समझ के एक पैसा, मतलब एक इन्वेस्टिंग जिसे कहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है जहाँ पर, तो वो इन्वेस्टिंग में ही है, हमेशा याद रखना। एज वेल एज़ बात करें तो कल की डेट में यहाँ पर वीडियो हमारी तरफ से डाली गई थी, ओके। यहाँ पर 2021 के दो एक शेयर थे जिनमें FIIs ने अच्छी खासी शेयर यहाँ पर खरीदे हुए हैं, तो उन वीडियो को देख लेना, दो शेयर से रिलेटेड बातें करी हैं। AstraZeneca शेयर यहाँ पर क्यों गिर रहा है, उससे रिलेटेड बातें करी है, ओके। और बढ़ क्यों नहीं रहा है जहाँ पर दूसरे फार्मा बढ़ रहे हैं, और एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ PLI स्कीम से रिलेटेड आया था, तो किन शेयरों को अच्छा खासा फायदा होगा, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगी। तो एज वेल एज बात करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक मिलेंगे, अगर आपका डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिए जाएंगे। और आप यहाँ पर एक और लिंक है, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आप सभी को पता है, तो इस लिंक पर जाके, इनकी वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पर इन्हें डोनेट कर सकते हैं और मंदिर बनाने में मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, सबसे पहले उससे बात कर लेते हैं उसके रिटर्न्स की। तो अगर देखें 1 डे का रिटर्न, तो आज के दिन भी देखिए अपर सर्किट 10%, 1 वीक की बात करें तो देखिए 50%, 1 मंथ की बात करें तो 51%, 3 मंथ्स की बात करें तो 150% के रिटर्न, ओके। और अगर बात करें यहाँ पर 6 महीने की, तो 226% के रिटर्न, 1 साल की 23% के रिटर्न, और अगर बात करें 4 साल की 774% के रिटर्न, 5 साल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1500% के रिटर्न, और 10 साल की बात करें तो लगभग 900% के रिटर्न, और 3 साल की बात करें तो आपके रिटर्न माइनस में होंगे, क्योंकि ये कंपनी इस तरीके का, जब आपको एक तरीके रिटर्न्स दिखते हैं तो आप समझ जाइए कंपनी कभी ऊपर जाके फिर नीचे आई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी इस तरीके से, मतलब ऊपर से नीचे गिरने वाली है, आपको मैं आगे दिखाता हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 डे का चार्ट पैटर्न, अच्छा खासा यहाँ पर चार्ट पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, ओपन होते ही साथ यहाँ पर हाई इसने लगा दिया था, आप देख सकते हैं। 5 दिन का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 1500 पर शेयर चलता था और किस तरीके से इसने जंप लगाई है। 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, इस तरीके से नीचे आया और फिर उस ऊपर जाता हुआ हमें नज़र आ रहा है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, मतलब 700 रुपये का शेयर आज की डेट में अगर बात करें कितने का, तो अभी कितने 2300 रुपये के, 2400 के लगभग चल रहा है। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो ये आपके सामने है, कभी कुछ पैसों, कुछ मतलब 20-22 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी खासी इसने जंप लगाई थी, कंटिन्यूसली जंप लगाई थी, उसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट होती गई, उस सेक्टर में ही आई थी गिरावट हुई थी, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दोबारा से वो सेक्टर चल रहे हैं, तो ये कंपनी अच्छी खासी भाग रही है, क्योंकि ये कंपनी उस सेक्टर के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। 52 वीक हाई की बात करें तो देखिए 52 वीक हाई इसने आज के दिन ही लगाया है 2368 रुपये का, और 52 वीक लो की बात करें 495 रुपये का है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और पैरामीटर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन में भी लगभग 3,59,794 शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं डिलीवरी बेसिस पे। 52 वीक लो की बात करें तो देखिए 8 अप्रैल को यहाँ पर 495 का था, और 52 वीक हाई इसने आज के दिन लगाया है 2368 रुपये। अगर बात करें कंपनी इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियल्स में भी देखते हैं तो कंपनी माइनस से प्लस में आ गई है, तो मतलब कंपनी इज़ मेकिंग प्रॉफिट। अगर बात करें प्रमोटर्स की होल्डिंग, तो लगभग 60% की होल्डिंग है, बाकी FIIs, DIIs और पब्लिक के पास लगभग 40% की, और कंपनी डिविडेंड भी देती हुई हमें नज़र आती है, 2018 में डिविडेंड, 19 में बाईबैक प्लस डिविडेंड, 20 में यहाँ 2500 रुपये का डिविडेंड, और यहाँ पर देखते हैं कोई शेयर गिर भी है या नहीं, हाँ तो कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। तो जिस कंपनी से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ओके, उस कंपनी का नाम है HEG लिमिटेड। काफ़ी दिनों से मैं इस कंपनी की तरफ यहाँ पर देख रहा था, तो ये
कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर गेन करती हुई मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि आपके पास एक वीडियो बनानी चाहिए इस कंपनी से रिलेटेड, इसके फाइनेंशियल डिस्कस करना चाहिए, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड बातें करना चाहिए, कंपनी करती क्या है उससे रिलेटेड अभी बातें करें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, तो होते क्या है, तो आपके जो ओल्ड कार्स होती है ओके, तो उसमें जो स्क्रैप होता है अगर बात की जाए तो स्टील का जो स्क्रैप होता है उसे मेल्ट डाउन किया जाता है और फिर उसके बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिक अगर बात की जाए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में ओके, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो स्टील मेकिंग प्रोसेस में भी ये कंपनी काम करती है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। अगर ये जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं HEG लिमिटेड इज़ अ इंडियाज लीडिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाती है ओके, इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। तो ये सबसे बड़ी है इंडिया में, दिस इज़ द रीज़न कि इसका जो शेयर है इस तरीके से हमें भागता हुआ नज़र आ रहा है, नीचे से एकदम ही इसने अच्छी खासी जंप लगाती हुई हमें नज़र आई है। कंपनी की अगर बात करें आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस यहाँ पर किस किस चीज़ का है, तो इनका ग्रेफाइट से रिलेटेड इनका एक्सपीरियंस है 30 साल से ज़्यादा हो गया है, वेयर हाउस इनका है, टेक्निकल R&D ये करते हुए हमें नज़र आते हैं ओके। और ये किस कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है आपको बता दिया, इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में। और बात करें इनके क्लाइंट की तो यहाँ पर देखिए जिंदल स्टील, टाटा स्टील, सेल ओके, यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी ग्रुप हैं यहाँ पर आप आगे जगह करके देख सकते हैं, ये कंपनी के सारे आपको पेस्को, नूकोर यहाँ पर आपको सारे के सारे ये स्टील की कंपनी है इनके क्लाइंट नज़र आएंगे। तो आपको पता ही है कि स्टील की कंपनी किस तरीके से बिजनेस कर रही है, किस तरीके से टाटा स्टील भागे जा रहा है, किस तरीके से जिंदल स्टील अच्छे खासे रिटर्न दे रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पर ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करती हुई हमें नज़र आ रही है। तो अगर मार्केट कैप की बात करें, स्मॉल कैप है, तो स्मॉल कैप में हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ कि अगर कंपनी के भागती हुई नज़र आती है तो गिरती हुई भी उसी स्पीड से नज़र आती है स्मॉल कैप कंपनी। अगर डेट इक्विटी रेशो की बात करें तो इनके पास ना के बराबर कर्ज है, थोड़ा बहुत कर्ज डेफिनेटली है, प्लेजिंग कुछ है नहीं ओके। और बात करें यहाँ पर ROCE नेगेटिव में, क्योंकि कंपनी काफ़ी साल से नेगेटिव में कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर देती हुई नज़र नहीं आई है। अगर बात करें यहाँ पर ROE की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छी है, 53% की ROE हमें यहाँ पर नज़र आती है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए 2018 में 1292 करोड़ के यहाँ पर इनका काम हुआ था, जैसे कि 3 साल पहले मैंने आपको बताया ही है, फिर उसके बाद यहाँ पर डाउन होता हुआ नज़र आया, बट यहाँ से दोबारा पीक लेना शुरू किया है कंपनी, दोबारा से बिजनेस करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 319 करोड़ का पूरे इस साल में सबसे ज़्यादा इसी में यहाँ पर बिजनेस करती हुई नज़र आई है। अगर बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं माइनस में चल रहा है, 950 करोड़ का प्रॉफिट ओके, यहाँ पर अभी माइनस में आ गया है, बट माइनस में देखिए घटते हुए आ रहा है। तो मतलब अगली जो क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट आएंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि पॉजिटिव यहाँ आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 497 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट, फिर 11, फिर 41, फिर अभी -1। तो अभी मेरे ख्याल से जो आएगा प्रॉफिट वो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा, जो कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दिसंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट है नेगेटिव से प्रॉफिट पॉजिटिव में चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि स्टील की कंपनी काम कर रही है, बिजनेस कर रही है, एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर ये भी कंपनी काम करती हुई नजर आएगी। अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 2019 में 1021 की सेल्स थी जो कि बढ़ रही थी, फिर उसके बाद बीच में घटती हुई नजर आई, जिस तरीके का चार्ट पैटर्न ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। 1250 करोड़ का पिछले 12 महीने में इन्होंने सेल्स करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो अभी भी कंपनी माइनस में ही यहाँ पर चल रही है, पिछले 12 महीने 552 करोड़ का नेगेटिव प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो अभी भी 384 करोड़ का नेगेटिव में ही प्रॉफिट यहाँ पर नजर आ रहा है ओके। अगर बात करें रिजर्व्स की, तो यहाँ पर 534 करोड़ के रिजर्व्स थे, जो बढ़ते बढ़ते अभी 3362 करोड़ के रिजर्व्स हैं। कंपनी के पास से पहले बहुत ज़्यादा कर्जा हुआ करता था, बट धीरे धीरे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी धीरे धीरे अपना कर्जा घटाती हुई नजर आ रही है। तो 240 करोड़ का यहाँ पर बोरइंग है। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 1261 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एज वेल एज का कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 475 यहाँ पर करोड़ रुपए का यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट भी हमें नजर आता है। तो कंपनी की अगर यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें, 59% की होल्डिंग 56 यहाँ पर प्रमोटर्स की है। अगर DFIs की बात करें लगभग 7%, DIs की बात करें 7% और पब्लिक की बात करें, और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास यहाँ पर नज़र आते हैं 26%। तो पब्लिक भी अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग अपनी रखती है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकालना चाहिए, तो इसका निष्कर्ष सिंपल ये निकालना चाहिए, देखिए कंपनी अगर स्टील का बिजनेस चल रहा है
अगर आपको लगता है कि स्टील का बिजनेस आगे इसी तरीके से चलेगा तो ऑब्वियसली बात है कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट करता हुआ हमें नजर आएगी, जैसे कि अभी पिछले एक साल में करती हुई नजर आई है। ओके, और शेयर का प्राइस भी उसी तरीके से बढ़ता हुआ हमें नजर आएगा। बट अगर आपको लगता है कि कंपनी एक केवल ये एक सीजनली है कि यहाँ पर सीजन आया तो भाग लिया, फिर सीजन नहीं आया तो गिर गई, तो फिर आप इस कंपनी से आप दूर रह सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आपको मिल जाएगी जो कि आपको अच्छे खासे रिटर्न दे देगी। हाँ, इस तरीके के रिटर्न ना दे बट आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे और बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशो के, मतलब बिना रिस्क के देंगे। ओके, तो आपको मतलब रिस्क तो है बट इतना रिस्क नहीं देंगे। बट यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा रिस्क मुझे नज़र आता है क्योंकि इनका परफॉर्मेंस की सेल्स इनके अगर बात करें तो अभी कर रही है बिजनेस तो अभी अच्छे खासे रिटर्न दे रही है। बट अगर बात करें यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, नेगेटिव ही रिटर्न यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। इस बार इनका क्वार्टर देख लीजिए, रिटर्न देख लीजिए। कंपनी अगर अच्छा खासा बिजनेस कर रही है तो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर लगा सकते हैं। स्मॉल कैप कंपनी है, हमेशा आपको देता हूँ, स्मॉल कैप में पैसे हमेशा थोड़े ही लगाने चाहिए, ज़्यादा लालच के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि अगर शेयर भाग रहा है तो हम भी उसमें इन्वेस्ट करें। तो इसी से रिलेटेड वीडियो थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करेगा। और कोई भी बैंक सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी डेफिनेटली कर लीजिए। बाकी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जो कि आपके सामने ही है, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार, और इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों को भी शेयर कराइए एज वेल एज सब्सक्राइब कराइए हमारा चैनल, ताकि वो भी हमारी वीडियो को देख के शेयर बाजार से रिलेटेड नॉलेज पा सके। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।